नमस्कार, जय जोहार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और आज की करते हैं खबरों की शुरुआत। इसके पहले अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ के रोजाना प्रमुख बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार देखना चाहते हैं तो चैनल को लाल कलर का बटन दिया उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि प्रतिदिन खबरें हम आप तक पहुँचा सके। पहली बड़ी खबर किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि आज किसानों के खाते में पैसे छत्तीसगढ़ सरकार भेजने जा रही है। दरअसल बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जयंती के अवसर पर राज्य के किसानों, पशुपालक, ग्रामीणों, गौठान समितियों और महिला स्वसहायता समूहों को 1,750 करोड़ 24 लाख रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर करी जाएगी। बात करें तो ये राशि छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के तहत दी जाएगी। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअली रूप से राज्य के जिन प्रतिनिधियों, किसानों, गौपालकों एवं समूहों की महिलाओं से चर्चा भी करेंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत आज के दिन राज्य के 26,21,000 किसानों को इस साल के इनपुट सब्सिडी की दूसरी किस्त के रूप में 1,745 करोड़ रुपए की राशि उनके बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर करी जाएगी। इससे पूर्व 21 मई 2022 को राज्य के किसानों को इस योजना की प्रथम किस्त के रूप में 1,745 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ खरीफ वर्ष 2019 में लागू की गई थी और इस योजना के तहत अब तक किसानों को 12,920 करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी राशि दी जा चुकी है। छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी दफ्तरों में तालाबंदी लटकनी शुरू हो चुकी है। बात करें तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल सोमवार से घोषित है, लेकिन सरकारी दफ्तरों में तालाबंदी लगनी बीते दिन यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवकाश पर ही चालू हो चुकी है। इसके अगले दिन शनिवार होने की वजह से वीकेंड अवकाश, रविवार होने की वजह से भी वीकेंड अवकाश और सोमवार से तो अनिश्चितकालीन हड़ताल लागू ही है। और ऐसे में बता दें कि जन्माष्टमी की वजह से अवकाश रहा, ऐसे में अब सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि ये केंद्र के समान महंगाई भत्ता दे, नहीं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। अब ये ताले कब तक खुलेंगे इसका कोई भी समय जो है तय नहीं हो पाया है, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों ने केंद्र के समान डीए नहीं बढ़ाए जाने को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। गौरतलब है कि सरकार ने 5% डीए बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया, लेकिन कर्मचारी और पेंशनर संघ इससे संतुष्ट नहीं है। उनकी मांग कि सरकार केंद्र के समान डीए और भत्ते बढ़ाए। इसके पहले भी कर्मचारी 5 दिवसीय आंदोलन कर चुके हैं। गणेशोत्सव को लेकर के नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों पर प्रतिबंध रहेगा। नदियों में कोई भी मूर्तियों का विसर्जन नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों को इसके लिए निर्देशित कर दिया है। छत्तीसगढ़ में गणेशोत्सव को लेकर और साथ ही साथ आने वाले त्योहारों को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। प्रतिमाओं और इनके विसर्जन को लेकर खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया है। पूरे प्रदेश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT और राज्य शासन के पर्यावरण से जुड़े मानकों के आधार पर प्रतिमाओं का विसर्जन और अन्य व्यवस्थाएं करी जाएंगी। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि किसी भी सूरत में नदियों में विसर्जन ना हो, इसका बंदोबस्त करना होगा। हर जिले के कलेक्टर को CM ने पत्र भी भेजा है। बात करें तो यहां पर विस्तृत गाइडलाइन जारी किए जा चुके हैं, जिसमें आयोजन स्थलों पर प्रॉपर लाइटिंग, पीने पानी की व्यवस्था, साथ ही साथ बात करें तो यहां पर तीज से लेकर के गणेशोत्सव, गणेश विसर्जन, दुर्गा पूजा से लेकर के मोक्ष अमावस्या और अन्य त्योहारों के लिए सार्वजनिक आयोजनों हेतु तालाबों और घाटों पर साफ सफाई की व्यवस्था, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, फॉगिंग से लेकर के शुद्ध पेयजल की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश भी दिया गया है। इसके अलावा बात करें तो यहां पर ध्वनि प्रदूषण से लेकर के वायु प्रदूषण और साथ ही साथ नदियों में जल प्रदूषण को लेकर भी यहां पर गाइडलाइन जारी हो चुके हैं। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए नए सत्र से 11वीं 12वीं के साथ ITI की पढ़ाई शुरू की जाएगी। छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार आगामी वर्ष से हर विकासखंड के एक हायर सेकेंडरी स्कूल में विद्यार्थियों को 11वीं 12वीं के साथ ITI की पढ़ाई भी कराएगी। इसके प्रदेश के युवा में उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए खुद ही खर्च निकाल सकेंगे। पढ़ाई के साथ साथ वह रोजगार के काबिल भी होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यही प्रावधान है कि पढ़ाई को रोजगार से
जोड़ा जाए। प्रदेश में अभी 115 स्कूलों में स्कूली शिक्षा के साथ साथ ITI करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या 3000 है। अधिकारियों के मुताबिक नए सत्र से हर विकास खंड में एक स्कूल ऐसा होगा जो कि ITI से जुड़ा रहेगा। इसके लिए स्कूलों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर आलोक शुक्ला ने बताया कि नए सत्र से अधिक विद्यार्थियों को स्कूली शिक्षा के साथ ITI डिप्लोमा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। पहली बार राज्य स्तरीय एथलेटिक्स का आयोजन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में किया जा रहा है। प्रदेश के 1200 प्रतिभागी इसमें शामिल हुए। 50 तकनीकी अधिकारी यहां पर हिस्सा भी लेंगे। पहले दिन यहां पर दौड़ और गोला फेंक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बिलासपुर में पहली बार राज्य स्तरीय एथलेटिक प्रतियोगिता का शुभारम्भ राजस्व एवं जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने किया। इस खेल में प्रदेश के 24 जिलों के तकरीबन 1200 यहाँ पर खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। पहले दिन ही गोला फेंक के साथ साथ प्रतियोगिता का आगाज हुआ। मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि न्यायधानी के लिए गौरव का क्षण है। हमारी सरकार विकास कार्यों के साथ साथ खेलों पर भी ध्यान दे रही है। छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स संघ और जिला एथलेटिक्स संघ बिलासपुर की ओर से 18वीं राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रदेश स्तरीय यह आयोजन बिलासपुर में पहली बार हो रहा है। प्रतियोगिता 19 से 21 अगस्त तक बहतराई स्टेडियम में चलेगी, जिससे विभिन्न वर्ग के खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। अलग अलग आयु वर्ग कैटेगरी में 14 से लेकर 16, 18, 20 और 23 वर्ष और साथ ही साथ सीनियर वर्ग के बालक बालिका, पुरुष एवं महिलाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। और अब बात स्मार्ट वाटर प्रोजेक्ट को लेकर। नलों से 24 घंटे का पानी प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ की 3 स्मार्ट सिटी में सबसे पहले रायपुर में, लेकिन अभी भी 5 साल लेट बताया जा रहा है। नलों से 24 घंटे पानी देने के स्मार्ट वाटर प्रोजेक्ट पर छत्तीसगढ़ के 3 स्मार्ट सिटी में सबसे पहले रायपुर में काम शुरू किया गया। नवा रायपुर बिलासपुर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत ये काम नहीं चुना गया। रायपुर में 130 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट की पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया गया। हालांकि वह भी 5 साल देरी से शुरू हुआ है, क्योंकि कोई ठेकेदार टेंडर लेने को तैयार नहीं था। इस प्रोजेक्ट में रोज आधा किलोमीटर पाइपलाइन बिछेगी। पहले चरण में 53 किलोमीटर और दूसरे चरण में 157 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिससे 2 लाख लोगों के घरों में पानी 24 घंटे सप्लाई होगा। वाटर प्रोजेक्ट के तहत हर दिन तकरीबन आधा किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने का टारगेट है। स्मार्ट सिटी के तकनीकी अफसरों के मुताबिक बात करें तो 2 हफ्ते के भीतर इस टारगेट को हासिल कर लेंगे। प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने से पहले स्मार्ट सिटी ने टोपोग्राफी, हाउस होल्ड, जमीनी काम के दौरान आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए रेडार सर्वे जैसे सर्वे काम कर लिए हैं। रीडिंग रूम पर अब यहाँ पर सियासी किताब खुल चुकी है। CM ने मोतीबाग में इसका भूमि पूजन किया। ब्रजमोहन ने खत लिखकर कहा कि पुराने निगम दफ्तर के पास ही इसका निर्माण किया जाए। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन स्मार्ट रीडिंग रूम प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत मोतीबाग में इस प्रोजेक्ट को तैयार किया जा रहा है। लगभग 6.50 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस रीडिंग रूम में ग्राउंड के साथ साथ 2 मंजिला भवन भी तैयार होगा। इस स्मार्ट रीडिंग जोन की कैपेसिटी 600 लोगों की होने जा रही है, यानी कि इस एक वक्त में बात करें तो एक साथ 600 लोग बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे। भूमि पूजन कार्यक्रम की अध्यक्षता नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया ने की। दुर्ग पुलिस का एक खतरनाक बदला जो है सामने आ रहा है, जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल चल रहा है। दिन में ग्रामीणों ने यहां पर सड़क जाम किया था। इसका बदला लेने के लिए रात में गांव में घुस करके पुलिस ने इन्हीं पर लाठियां भांज दी। जो दिखा उसी को पेट दिया गया। दरअसल बात करें छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के कुम्हारी के पास गुरुवार को सड़क हादसे में एक छात्रा की मौत के बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम लगा दिया था। जाम इस कदर रहा कि पुलिस दिन भर इसको खुलवा नहीं पाई, लेकिन जैसे ही ग्रामीण शांत हुए और अपने अपने घरों की ओर लौटे, बड़ी संख्या में पुलिस वाले गांव में घुस आए और जिनको भी घर के बाहर देखा उन्हें अपने डंडों की ताकत दिखानी शुरू कर दी। पुलिस की क्रूरता का शिकार कुछ ग्रामीणों के मुताबिक वे तो जाम लगाने भी नहीं गए थे, फिर भी पुलिस ने उन्हें बेवजह पीट दिया। पुलिस ने जिस गाँव में घुसकर लाठी का जोर दिखाया है वह क्षेत्रीय सांसद विजय बघेल का गाँव उर्ला बताया जा रहा है। इसके अलावा बात करें तो ग्रामीणों का आरोप है कि चक्का जाम के बाद पुलिस ने गाँव में घुस करके हमारे साथ लाठीचार्ज किया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल चल रहा है।
महंगाई को लेकर के कांग्रेस का हल्ला बोल सामने आ रहा है। सड़क पर उतरकर आंदोलन किया गया। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। 28 अगस्त को दिल्ली में यहां पर कार्यकर्ता जुटने जा रहे हैं। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पहली बार बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन कर रही है। 17 से 23 अगस्त तक कांग्रेस हल्ला बोल आंदोलन कर रही है। ये आंदोलन देश के सभी राज्यों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बैनर तले किया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर निकले और उन्होंने दुकानों, फल ठेले वालों, फूल बेचने वालों से महंगाई के बारे में बातचीत की। महंगाई पर आम लोगों की प्रतिक्रिया भी ली गई। इस आंदोलन में सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। बात करें तो देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता 28 अगस्त को राजधानी दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने देश भर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी को पत्र लिखकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रभावी कैंपेन चलाने का निर्देश दिया है। बस और कार की टक्कर से जवान सहित 5 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा हुआ रायपुर जगदलपुर हाईवे पर, जहां पर गैस कटर के माध्यम से काट करके शव निकाले गए। हादसा इतना बेहद गंभीर था। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर और रायपुर नेशनल हाईवे 30 पर शुक्रवार तड़के बस और कार में भिड़ंत हो गई, जिसमें 5 युवकों की मौत हो गई। हादसे के बाद बस चालक और कंडक्टर दोनों भाग निकले। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार के पार्ट्स गैस कटर से काट करके मृतकों के शव को बाहर निकालना पड़ा है। मामला जगदलपुर सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। बात करें तो पुलिस ने बस चालक को गिरफ्तार कर लिया है। वही जानकारी के मुताबिक रायपुर से जगदलपुर के लिए 3-4 बजे यात्री बस निकली थी। बस आसान से करीब 1 किलोमीटर दूर मेटावाड़ा पुल के पास तड़के तकरीबन 3:41 बजे पहुंची थी। तभी सामने से आ रही कार को उसने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार सवार 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया और बाद में जब उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया तब उसने भी अपना दम तोड़ दिया। यात्री एयरपोर्ट को लेकर के यहाँ पर बड़ी खबर। यात्री सुविधा के देने में देश बात करें तो देश में दूसरी स्थान पर जो है रायपुर एयरपोर्ट का नाम आ रहा है। पूर्वी विमानतलों से ये आगे हो चुका है। विश्व में 36वीं रैंकिंग पाई जा चुकी है। यात्रियों को सुविधा देने के मामले में रायपुर एयरपोर्ट ने देश के पूर्वी क्षेत्र में स्थित घरेलू विमानतलों को पीछे छोड़ दिया है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल मॉन्ट्रियल कैनेडा की ओर से 2022 के Q2 में किए गए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वे में रायपुर विमानतल को पूर्वी क्षेत्र में पहला, देश में दूसरा और दुनिया भर में 36वां रैंक घोषित किया है। और अब बात सिंगल यूज प्लास्टिक पर निगम की कार्यवाही हुई है। 288 दुकानों की तलाशी लेकर के पॉलीथीन जब्त किए गए। 1,34,000 रुपए जुर्माना भी वसूला गया है। भिलाई नगर निगम की टीम ने यहां पर बीते दिन सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम चला करके बड़ी कार्यवाही की। टीम ने 288 दुकानों में छापेमार कार्यवाही करते हुए वहां की तलाशी ली और इस दौरान भारी मात्रा में पॉलीथीन जब्त करते हुए उनके खिलाफ 1,34,200 रुपए का जुर्माना भी वसूल लिया गया है।